दोस्तों साल 1999 का लोकप्रिय सॉन्ग तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया तो आपने जरूर सुना होगा। जी हाँ, ये उसी फिल्म का सॉन्ग है जिसने बड़े पर्दे पर आते ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। और ये फिल्म थी होगी प्यार की जीत। जहाँ इस फिल्म की कहानी और गाने दर्शकों को बेहद पसंद आए थे, तो वहीं फिल्म के कलाकारों ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग का ऐसा तड़का लगाया था जो आज भी महकता है। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म के बारे में नहीं, बल्कि इस फिल्म में अभिनय करके प्रसिद्ध होने वाले कलाकारों के रियल लाइफ पार्टनर से रूबरू कराने वाले हैं, जो बेहद स्टाइलिश दिखता है। तो आइए जानते हैं कौन है वे कलाकार और उनके रियल लाइफ पार्टनर। कृतिका दवे। इस फिल्म में कृतिका दवे ने शालिनी का जबरदस्त किरदार निभाया था, जो फिल्म में किशन और राज की बुआ होती हैं। इस फिल्म में इनका किरदार काफी सादगी भरा होता है, जिसे दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। लेकिन अगर बात करें इस टैलेंटेड अभिनेत्री के पति के बारे में, तो इनके पति का नाम रसिक दवे है, जिनसे इन्होंने काफी सालों पहले शादी की थी। आपको बता दें कि रसिक प्रोफेशन से एक एक्टर है, जिन्होंने कई हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय का हुनर दिखाया है। अनिल धवन। फिल्म में सुरजीत का शानदार किरदार निभाने वाले अभिनेता का रियल नेम अनिल धवन है, जो फिल्म में किशन और राज के पापा होते हैं। इनका किरदार फिल्म में काफी कम समय के लिए देखने को मिला था, लेकिन इन्होंने इस किरदार को बखूबी निभाया था। अगर बात करें इस अभिनेता की पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम रश्मि अनिल धवन है, जिनसे इन्होंने काफी सालों पहले शादी की थी। आपको बता दें रश्मि प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस रह चुकी है, जिन्हें फिल्म एक नारी दो रूप के लिए जाना जाता है। शबाना रजा। फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर शबाना रजा मेघा सिंह का किरदार निभाते हुए नजर आई थी, जिन्होंने राज की प्रेमिका का किरदार बखूबी निभाया था। इस फिल्म में दर्शकों ने इनके लुक को बेहद पसंद किया था। अगर बात करें इस अभिनेत्री के पति के बारे में, तो इनके पति का नाम मनोज बाजपेयी है, जिनसे इन्होंने साल 2006 में शादी की थी। आज इस शादी से इनकी एक बेटी है। आपको बता दें कि मनोज प्रोफेशन से बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता है, जिन्होंने कई फिल्मों में अपने अभिनय का शानदार रंग बिखेरा है। अरशद वारसी। इस फिल्म में अरशद वारसी किशन की भूमिका निभाते हुए नजर आए थे, जो राज के भाई होते हैं। फिल्म में इन्होंने अपने कॉमिक रोल से दर्शकों को हंसाने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसे आज भी बखूबी याद किया जाता है। अगर बात करें इस दमदार अभिनेता की पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम मौर्या गोरेट्टी है, जिनके साथ इन्होंने साल 1999 में अपना घर बसाया था। आपको बता दें कि मारिया प्रोफेशन से एक जानी मानी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने MTV के कई रियलिटी शो को होस्ट किया है। मयूरी कांगो। में लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आने वाली अभिनेत्री का रियल नेम मयूरी कांगो है, जिन्हें प्रीति सिंह का दिलचस्प किरदार निभाते हुए देखा गया था, जो किशन से बेहद प्यार करती हैं। दर्शकों द्वारा इनकी लव केमिस्ट्री को खूब पसंद किया था। अगर बात करें इस टैलेंटेड अभिनेत्री के पति के बारे में, तो इनके पति का नाम आदित्य ढिल्लो है, जिससे इन्होंने साल 2003 में शादी की थी। आपको बता दें आदित्य प्रोफेशन से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो दोस्तों आपको फिल्म होगी प्यार की जीत में सबसे अच्छी एक्टिंग किस कलाकार की लगी, आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी दिलचस्प खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।